हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस कहानी के लेखिका बिजेंद्री पाल हैं और इनका खासियत क्या है पता है। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। बिजेंद्री पाल जी को पहाड़ चढ़ने का शौक कहाँ से आया पता है। जब ये बच्ची थी ना, मतलब छोटी थी, तब इनको स्कूल पढ़ने के लिए 5-6 मील पहाड़ चढ़ कर जाना पड़ता था, मतलब रोड रोड से नहीं चढ़कर। अब मैं बताऊंगी कि मैं माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ी। हाँ, मजा आएगा, लगेगा हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 मार्च को हम लोग दिल्ली से काठमांडू गए, जो कि नेपाल का कैपिटल है। पहले ही एक ग्रुप निकल गई थी जो कि रास्ते को साफ उफ कर दे, तभी ना हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, बर्फ से ढक जाता है। इस जगह का नाम है नमचे बाजार। यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो गाइड करते हैं और मदद करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को। इनको शेरपा कहा जाता है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। एक चीज और, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 26 मार्च को हम लोग पेरिस पहुँचे। यहाँ बर्फ वगैरह गिरते रहता है हमेशा। दुख की बात यह है कि एक शेरपा की मौत हो गई है बर्फ गिरने से। आप लोग ध्यान से जाएं। हमारे नेता यानी लीडर कर्नल खुल्लर ने हम लोगों से कहा, एवरेस्ट इतना बड़ा पहाड़ है, इसमें सब चीजें हो जाती है, इसको थोड़ा मैनेज करके चलो और आगे बढ़ते रहो। इसी दिन हमारे ग्रुप, जिसका नाम अग्रिमी दल है, इस ग्रुप के उप नेता प्रेमचंद ने कहा, हमने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है, जा सकते हैं आप लोग। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि रास्ता कभी भी भर सकता है, बर्फ फिर से गिरेगा, फिर से भर जाएगा। कैंप पहुंचने से पहले ही हमें पता चला कि एक रसोई जो खाना वाना बनाती थी ना, उसकी मौत हो गई है बर्फ गिरने से, यार पिघल जाता है। बहुत खतरनाक है पहाड़ी चढ़ना। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने हम लोगों को बताएं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए किस तरह एल्युमिनियम की टेम्पोररी सीढ़ी बनाना है। देखो अग्रामी दल, हमेशा चतुराई और दिमाग से ही काम कीजिएगा, एक छोटी गलती से भी आपकी मौत हो सकती है। जी मैम। अगले दिन मैं अपने एक साथी के साथ हिमपात पहुंची, जो हिमालय में था। हेलो दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉगिंग है ना। कर्नल खुल्लर जो हमारे लीडर हैं, बहुत खुश हुए क्योंकि कैंप तक पहुंचने वाले सिर्फ हम लोग ही दोनों थे, बाकी सब पीछे रह गए। 29 अप्रैल को अंगदोर जी और उनके टीम मेंबर्स 7900 मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और वहां कैंप 4 भी लगा दिए हैं, मतलब हमसे बहुत आगे हो। तो अभी मैं बेस कैंप में हूं, तभी यहां तेजजिंग नोरके आते हैं। ये पहला आदमी है जो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़े थे, और इन्होंने क्या कहा सुनिए। एवरेस्ट पर पूरा चढ़ लेने से पहले, मतलब सबसे ऊपर स्थान जाने से पहले, मुझे 7 बार पहले जाना पड़ा था प्रैक्टिस के लिए, तब मैं 8वां बार चढ़ा था। 15 मई 1984 को हम लोग लोहोत्से से कैंप 3 में पहुंचे। क्या हुआ पता है, रात को जब मैं सो रही थी तब एक ग्लेशियर बड़ा बर्फ हम लोगों के कैंप के ऊपर गिर गया यार। हम लोगों को चोट लगी और कैंप भी पूरा टूट टूट गया पूरा। बिना डरे मैं साउथ कोल कैंप नंबर 4 पहुंची। सबसे डेंजर जगह ये। खाना बनाने के लिए हम लोग गैस वगैरह इकट्ठा किए और ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिए, क्योंकि उसका ऊपर ऑक्सीजन थोड़ा कम रहता है ना। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी। अंदोर जी पहले ही से मेरे बाहर खड़े थे, मतलब जहाँ मैं रह रही थी कैंप के बाहर। चलो ना, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं आगे चढ़ते हैं, क्या होगा। अरे यार, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ोगे तो तुम्हारे पैर ठंडे पड़ जाएंगे और कहानी खत्म तुम्हारी, फिर सोच लो फिर क्या करना है। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी पर चढ़ जाना बहुत मुश्किल है यार, पर अंदोर जी हम लोगों को थोड़ा हिम्मत देते हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो ना, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेती। सुबह का 6:30 में हम लोग निकल गए हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। 2 घंटे से कम समय में ही हम दोनों शिखर पर पहुंच गए थे, मतलब सबसे ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे। अरे हम लोग दोनों इतना ऊपर चढ़ गए पहाड़ का, थोड़ा ही सा बचा हुआ है, फिर भी तुमको थकावट नहीं हो रहा है। I am a smart, hard labor, intelligent.
याद रखिएगा ये चीज, दोपहर 1:07 और आज का दिन 23 मई 1984 को हम लोग एवरेस्ट की सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच गए हैं। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी, जिसका नाम पता है ना, बिजेंद्री पाल है, याद कर लेना, हो सकता है केबीसी में पूछ ले। तो देख लिए ब्लॉगिंग आप लोग, बहुत मजा आया ना। चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं इसे अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगल बगल जो वीडियो देख लेना। और क्या, जय हिंद।